वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। देखें इस क्रिकेट के क्या कहने, कई रंग नए अंग इसके हर दफा कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन सोच सकता है कि एक टीम 400 करे और उसके बाद दूसरी टीम मैच जीत जाए। चले माना के डीएलएस सिस्टम से पाकिस्तान ये मैच जीते, मगर फिर भी बिल्कुल डिजर्व करते हैं क्योंकि 25 ओवर में 200 कर दिए, सो 50 ओवर में 400 भी कर सकते थे। इसी बुनियाद के ऊपर ये डीएलएस के सिस्टम से मैच जीते हैं। और जो दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि जो एक तरह से प्राइड हर्ट हुई, मेंटल स्कारिंग हुई, एक तरह से जो दिमागी जो तारें थी वो शॉर्ट सर्किट हुई हाफ टाइम पे, उसके बावजूद जब फखर और बाबर जमान वहां पे उतरे हैं पिच पे तो बिल्कुल डिटैच किया हुआ था उन्होंने। वो जो मार पड़ी थी पहले हाफ में उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और जाके ये सोचा कि हमने भी इनकी धुनाई करनी है। फखर जमान ने अपने करियर की सबसे बेहतरीन इनिंग्स खेली है क्योंकि बहुत आला छक्के, 11 छक्के लगाए उन्होंने और रन चेज में इस तरह की बिजली और इस तरह की धुनाई बहुत कम दिखने को मिलती है वर्ल्ड सर्किट में। और बाबर आजम भी बहुत डिटरमिंड थे, मैं समझता हूँ उन्होंने भी बहुत ही अच्छा हैंड खेला, सुलझा हुआ हैंड खेला क्योंकि पहले 30-40 रन तक वो रिजर्व लगा के खेल रहे थे और उसके बाद फिर उन्होंने जो है वो टॉप गियर लगाया। और वो जो एक ओवर सोडी का 20 रन का बड़ा नाम मिला पाकिस्तान को ब्रेक से पहले, वही मेक और ब्रेक था क्योंकि 21 रन से पाकिस्तान जो है वो डीएलएस सिस्टम से आगे हो गए। और जैसे मैंने कहा कि मेंटली बहुत बड़ी ये फतह है। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच ये पार्टनरशिप है, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाबर आजम जो है थोड़े से रिजर्व्ड हैं, मगर वो रिजर्व जो खेल रहे थे उसकी सेंस बाद में इसलिए बनी क्योंकि पार्टनरशिप लगी। और दूसरे एंड पे फखर जमान की एक भी मिस हिट नहीं थी, बड़े मुश्किल एंगल्स ये ढूंढते हैं फील्ड में क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स हैं, सो जब चलते हैं तो फिर मुकाबला ये सादा कर देते हैं अपनी टीम के लिए। सो ये पार्टनरशिप जो थी ये बहुत अच्छी थी। और वो जो एक ओवर ब्रेक से पहले 20 रन का हुआ इस सोडी का के खिलाफ, जब जिसमें बाबर आजम ने भी छक्का लगा और फखर जमान ने तो 2 छक्के लगा दिए, उससे जो है ये डीएलएस में जीतने में बहुत पाकिस्तान को मदद मिली। और देखना यही पड़ेगा अब आगे चल के न्यूजीलैंड को कि उनकी जो बॉलिंग है वो जो इतनी अंडर पार परफॉर्म कर रही है उसके बारे में वो क्या करेंगे, मगर ये जो पार्टनरशिप थी इसी ने पाकिस्तान को ये मैच जिताया है। डाउनलोड तमाशा ऐप एंड वॉच वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। Also avail Jazz monthly freedom offer. Super strike of the match, Fakhar Zaman. Super strike इसलिए कि off spinner को इन्होंने mid wicket पे छक्के लगाए हैं और इसी तरह से fast bowler को भी square leg पे इन्होंने छक्के लगाए हैं और एक से एक बड़ा छक्का था। ये बड़े मुश्किल एंगल्स हैं क्योंकि ग्लेन फिलिप्स का इस वक्त तक वर्ल्ड कप अच्छा चल रहा था और उनको लेके आए थे कि कहीं मिस हिट होगी तो एक विकेट गिरेगी और प्रेशर में आ जाएगा पाकिस्तान, मगर मिस हिट हुई नहीं और फखर जमान ने कमाल की इनिंग्स खेल दिया। देखिए ये क्रिकेट जो है ना ये वही बात है, 2 मैचेस में आपको हीरो बना देती है, 2 मैचेस में आपको जीरो ग्राउंडेड कर देती है। सो अच्छी बात यह है कि जब फखर जमान की वापसी हुई है तो इन्होंने गुस्से से कोई चीज नहीं की है, अकल के साथ इन्होंने बैटिंग की है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखी है, पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे और उनके बल्ले ने करके दिया। इसी तरह से बाबर आजम पे भी प्रेशर था क्योंकि जीत पाकिस्तान रही नहीं है, 50 करके आउट हो रहे थे वो, आज बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और मेरे ख्याल से आगे चल के बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा बाबर आजम को भी इस इनिंग्स की वजह से, मगर मेला लूटा है फखर जमान ने।